ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो आज एक बड़ा ही विचित्र सा वाक्य मेरे साथ हुआ। लगभग रात के 9 बजे हुए थे और मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो कहीं बाहर घूम के आता हूँ। तो मैं ऐसे ही बाजार की तरफ निकला और मैं रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक बच्चा जो है कुछ गुब्बारे लेकर रोता हुआ जा रहा है और हाथ में उसके बच्चा है। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कोई लड़ाई लुड़ाई हुई होगी तो रो रहा है, तो मैंने उसे जाने दिया। इसके बाद लगभग एक दो घंटे बाद मैं आता हूँ तो वो जो बच्चा है वो उसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था, जहाँ पर मैंने उसे आखिरी बार देखा था, और वो तब से रो रहा है। और वो इतना रो रहा है कि उसकी आँखों में आप खुद देख सकते हो कि पूरा आंसू ही आंसू हो रखे हैं और रोए जा रहा है, और जो भीड़ है वो देखे जा रही है और कोई उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो हुआ ये कि उस बच्चे के जो हैं 20 गुब्बारे उसने आज बेचे थे और 20 के 20 जो पैसे थे वो गुम हो गए, और अब उसको घर जाना था रात को तो वो जा नहीं पा रहा, वो वहीं बैठकर रो रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो है मुझे ये काम दिया कि जाइए और उसको जो है कोई भी थोड़ी बहुत मदद करके आओ। तो मुझे पता नहीं था कि इतना प्रभाव होता है बच्चों में। तो कहते हैं ना भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुन लेता है, तो वहाँ बैठा बैठा सोच रहा होगा कि भगवान आज मदद कर दो, बस आज मदद हो जाए तो मैं घर चला जाऊँ, डांट ना पड़े। तो देखिए मैं कम से कम भी 20-25 किलोमीटर दूर रहता हूँ वहाँ से, और वहाँ से उसने मुझे न जाने कैसे अपनी तरफ खींच लिया कि मैं रात को बाज़ार में गया, वरना मैं जाता नहीं हूँ, मतलब कोई एक दो ही चांस ऐसे हुए जब मैं गया हूँ। और उसके बाद मेरा उसको देखना और वो सारा वाक्य समझना, ये बहुत ही अजीब सा मैटर था, और आगे मैं क्या बताऊँ आप खुद ही देख लीजिए। कितने पैसे थे? 10-10 रुपए के गए ना, तो कितने हो गए? तो 20 बैलून के कितने हो गए? गिन के देखो, गिन के बताओ कितने हो जाएंगे। 200 रुपए के ले रो रहे हो? ओहो यार, किसको कहां पर ले जाएगा छोटे बच्चे को? पैसे गिर गए? कहाँ गिरे कुछ पता है? यार भैया, सॉरी है क्या? सॉरी है ये? तो घर में जाकर किसी को देते हो पैसे? फिर आप घर जाओगे? अच्छा, कुछ खाया तुमने अभी? खाना खा लिया? ₹200 कहां से लाए? कैसे घूमे गए पता है? कहां पर गिरे हैं कुछ? जेब जूब में देख ले, कहीं जेब जूब में हो? नहीं है। ये लो, ₹25 पड़े हमारे पास, ठीक है? रोने का नहीं, पैसे तो आते जाते रहते हैं, रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। अभी ऐसे सो कैसे रही है ये?
सो कैसे रही है? बैठे बैठे सो गई थी। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ? गांधी ग्राउंड के पास। तो देखिए, इसके आज 20 इसने बैलून बेचे थे और इसका जो है वो सारा पैसा गुम हो गया। तो अभी 25 रुपये पड़े थे, 25 रुपये हमने इसको दे दिए हैं और देखते हैं कुछ और मिल जाए तो इसकी मदद हो जाए। तुम बड़ी जल्दी भूल जाते हो मुझे, मैं तुम्हें याद रखता हूँ। सबास, कोई भी दे दे, ऐसे क्या देख रहे, कोई भी दे दे। कौन तो नहीं? कौन नहीं है तो कोई और दे दे। दे 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 दे। चल कितने हो गए? 60। चलो ठीक। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी हमने 2 चॉकलेट लिए हैं। चलो पैसा भी मिल गया, फुल्लम पैसा है। ये लो मजे से खाओ। और ये ले 1 2 तुम्हारे 200 रुपए। अब खुश हो? 200 रुपए मिल गए तुम्हें, अब ठीक है। 100 रुपए और ले लो और जाओ मजे करो। ओके जाओ, भागो, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। अब इनको ढंग से रखियो, गुम्मत कर दियो, ठीक है? ओके। अब हाथ में रखियो या फिर किसी जेब में डाल लो उसको, ठीक है? गिर गुर जाएंगे कहीं पे। खुश हो आप? खुश हो? चलो ठीक है।